टेस्टी फूड विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालेजी बिस्कुट से बिल्कुल एक नई रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए हमने 10 रुपए की पालेजी बिस्कुट लिए हैं, जिन्हें हमने एक मिक्सर के पॉट में टुकड़े टुकड़े कर डाल दिए हैं और इसका हमने एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए हम जो सारे बिस्किट हैं उन्हें हम छोटे छोटे पीस करके तोड़ लेते हैं। और देखिए, हमने इसका अब पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में डालते हैं और उसमें हम 1/2 कप दही ऐड करते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने जो 1/2 गिलास दूध लिया था उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसके घोल को घोलते जाएंगे। हमें घोल को ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत गाढ़ा रखना है, मीडियम साइज का घोल हमको बनाकर रखना है। देखिए, अब इसमें हम 3 चम्मच जो शक्कर का बूरा है उस बूरे को ऐड करते हैं। आप पिसी हुई शक्कर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी कॉफ़ी डालते हैं, ज़रा सा कोको पाउडर यूज़ करेंगे। और फिर हम इनको अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसमें हम ज़रा सा घी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा रिफाइंड भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इनो पाउडर यूज़ करेंगे और इनो डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और 1/2 चम्मच से भी कम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। और देखिए, हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम अप्पे वाला सांचा लेते हैं और फिर उसमें ज़रा सा घी डालकर उसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। देखिए, हमारा जो गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जो हमारा घोल तैयार है उस घोल को डालेंगे। इस तरह हम सभी में ये घोल डाल देते हैं। और फिर हम इस पर जो हमारी चेरी होती है उस चेरी को थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं, जिससे जो हमारे पार्लेजी बिस्किट वाले केक हैं वो देखने में बहुत ही अच्छे लगे और इससे इनका खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इन्हें किसी बर्तन से ढक देते हैं। हमें बर्तन ऐसा रखना है कि वो थोड़ा ऊंचा रहे। देखिए, 5 मिनट बाद हमने इन्हें खोल दिया है। अब इनको हम अलट पलट के अच्छे से सेक लेते हैं। हमने इनको पलट दिया है, इस तरह हम सारे अप्पे पलट देंगे। और देखिए, अब जो हमारे पार्लेजी बिस्किट के केक हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।